दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अकाउंट जियो सावन ऐप। क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि जियो सावन ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं? तो दोस्तों यदि आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हो तो आप इजीली तरीके से जियो सावन ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ जियो सावन ऐप में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाके जियो सावन ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी बात है। ठीक है, 100 मिलियन डाउनलोडिंग है। अब इसमें आपको इस तरीके से प्रवेश करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस तरीके से आएंगे इसमें तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आएगा। अब यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा कुछ इस तरीके का। अब यहां पे बोल रहा है चॉइस योर डिस्प्ले लैंग्वेज। अब आप डिस्प्ले पे किस तरीके की लैंग्वेज चाहते हैं वो आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेनी होगी। सभी तरीके के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, भोजपुरी, हरियाणवी, यहां पे आप सारी तरीके से यहां पे मिल जाएगा, गुजराती वगैरह सब कुछ। ठीक है, यहां पे हिंदी मिलती है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमने इंग्लिश कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे अब ये पूछेगा कि आप किस तरीके के सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, किस लैंग्वेज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हम डन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई ये बोल रहा है कि सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो चलिए हरियाणवी कर देते हैं, भोजपुरी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी और नहीं आ रहा है तो अदर लैंग्वेज यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे टू यहाँ पे आपका एस एस डन करेंगे तो आपके सामने ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं भी वो तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से माई लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से होम है, सर्च है, वीडियोज़ है, लाइब्रेरी। ठीक है, माई लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखो क्रिएट अकाउंट ऊपर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्रिएट अकाउंट यहाँ पे करना होता है एक। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखो आ जाएगा ऊपर क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ साइन अप लॉग इन विद ईमेल, ठीक है, और फोन और फेसबुक, तो इस पर क्लिक करेंगे आप इस तरीके से। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आप फेसबुक से करेंगे तो फेसबुक से भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक वाला आइकन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखो फेसबुक का भी है, फ़ोन का भी है, तो फेसबुक पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो फेसबुक वाला आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कंटिन्यू यहाँ पे करना है। फेसबुक आपकी पहले से लॉगिन होगी तो नहीं कुछ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस तरीके से मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं अपना। ठीक है, जैसे हमने डाल दिया बिमलेश। ठीक है, यहाँ पे आपको IS क्रू लिखा होगा। ठीक है, आपकी जीमेल का जो भी नेम हो वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं बिमलेश कुमार। ठीक है, एज यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल, फीमेल, अदर। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हो उस पर क्लिक करके। ठीक है, सीधा यहाँ क्लिक करके आप फोटो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिनिश पे हमने क्लिक किया। फिनिश पे जैसे ही हमने क्लिक किया अब यहाँ से हमने बैक किया। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ अकाउंट बनके तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखो आपके सामने विद प्रूफ के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी फेसबुक से लॉगिन हो चुका है, आप यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, ये अभी नहीं मार रहा है लेकिन यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, आप ईमेल को भी यहाँ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपनी ईमेल को भी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जियो सावन ऐप में अच्छे से अकाउंट क्रिएट कर पाए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।